पिछली बार क्या लग रहा है मशीन में रोल हुई थी भाई रोल हुई जब बारिया से अच्छा जाने का रहा से देवीलाल बंसीलाल ने रुआ दिया था। आपको क्या लग रहा है भाई साहब? दीपेंद्र गति के लिए एक तरफा दीपेंद्र है। दीपेंद्र अच्छा, क्या रीजन है दीपेंद्र के साथ क्यों जाना चाह रहे हो? भाई साहब बंदा ही सा वो अर्किस का काम करे वो जिसे तो मतलब उसने पक्षपात है ही नहीं। नमस्कार, मैं हितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं सबकी खबर टीवी। तो जी आज हम अपनी स्पेशल हमारी जो सर्वे चल रहा है गांव-गांव का, हम जा रहे हैं गांव-गांव में, जनता का मूड आपके सामने ला रहे हैं, जनता की बातें जनता तक पहुंचा रहे हैं। तो उसी सर्वे के तहत आज हम आए हैं अपनी रोहतक लोकसभा, हमारी जो हॉट सीट है हरियाणा की, रोहतक लोकसभा के बादली हल्के गाँव सिलाना में। तो सिलाना में आपको मिलवाएंगे, हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, नौजवान साथी बैठे हुए हैं, उनसे मिलवाएंगे और बताएंगे कि जनता का क्या मूड है और जनता क्या चाहती है अब की बार रोहतक लोकसभा के अंदर किसके साथ जाना चाहती है। तो आइए, तो जी राम राम। गले में है सिर्फ इतना बता दो कि दीपेंद्र हुड्डा और डॉक्टर अरविंद शर्मा। दीपेंद्र हुड्डा। अच्छा दीपेंद्र हुड्डा पक्का? पक्का। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। पानी देने अच्छा, जो पानी जो गांव में आ रहा है वो दीपेंद्र हुड्डा की देन है आपके गांव में, इस वजह से आप दीपेंद्र हुड्डा के साथ जाना चाहते हैं। अच्छा। भी है, भला भी है, पढ़ा लिखा भी है। अच्छा, गुण सारे गुण उनके अंदर। डॉक्टर अरविंद शर्मा में नहीं है कोई भी गुण? कौन आया 5 साल में आया तो कौन है? अच्छा 5 साल में एक भी ना आया। अच्छा क्या करे, तो इस वजह से दीपेंद्र हुड्डा। बिल्कुल, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। तो जी राम राम, आप बताओ क्या लग रहा है आपकी बार दीपेंद्र की डॉक्टर अरविंद शर्मा को वोट दे रहे हो? हम दीपेंद्र ने। अच्छा दीपेंद्र ने दोगे, के बात की खास बात है दीपेंद्र में? दीपेंद्र में सारी ये खास बात नहीं। अच्छा दीपेंद्र के बहुत सारा बालक से। अच्छा हाँ, दीपेंद्र कितना दिन में एक भी को? अच्छा जी हाँ, ये बात है, दीपेंद्र जितना तो एक भी नहीं है मतलब। अच्छा ऐसा कोई काम बताओ को गिनवा होगा दीपेंद्र ने भैया सिलाना गांव के लिए ऐसा इतना अच्छा काम कर दिया, वो काम बताओ। काम सारा ही कर रखा है उन्हें, जज जला था ये उसने बनाया, दीपेंद्र ने बनाया। अच्छा हाँ, सब काम यो इन्हें का करोड़ से। अच्छा ये काम कर में कोई कच्ची को ना काम कर रहा है खूब। कांग्रेस का घोषणा पत्र आया है पीछे से, देखा होगा आपने, 6,000 पेंशन कर देंगे, 500 का सिलेंडर कर देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, 2,000 लोगों को रोजगार दे देंगे। तो ऐसा कुछ तो नहीं है कि इनके लोभ में आगे हैं इसलिए दीपेंद्र? इनका लोभ नहीं है, पेंशन बताओ लग रहा कभी बंद कर दो चाहे। अच्छा हाँ, पेंशन की कोई बात नहीं। अच्छा पेंशन इनकी करोड़ को ना, पेंशन देवीलाल की करोड़ से। अच्छा अच्छा हाँ, बाकी पेंशन का उसका कोई वो नहीं सर लालच, बाकी ये काम करें काम कर रहे हैं इस वजह से साथ। हाँ लोभ कोई नहीं है मन में ना, किसी चीज का लोभ नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी, धन्यवाद ताऊ जी, धन्यवाद बहुत। राम राम ताऊ जी। राम राम। बता दो क्या जादू से ना से? हम तो कोई जादू ना कर रहे, जादू तो आप लोग करोगे, हम कोई जादू नहीं कर रहे, जादू तो आपके हाथों में है। क्या होगा अब की बार लोकसभा की सीट किधर जाएगी, बीजेपी की कांग्रेस? ना जा कांग्रेस की जाएगी। अच्छा कांग्रेस की जाएगी, पूरा आर पार जाएगी कांग्रेस की? अच्छा जी, ऐसा किस वजह से लग रहा है आपको? मशीन में तो रोल नहीं करोगा तब जीत रहा है। अच्छा मशीन में रोल नहीं होनी चाहिए ना तो दीपेंद्र जीत जाएगा। हाँ अच्छा अच्छा, पिछली बार क्या लग रहा है मशीन में रोल हुई थी? भाई रोल हुई जब बारिया से। अच्छा जाने का रहा से देवीलाल बंसीलाल ने रुआ दिया था। हाँ चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई साहब बोल रहे हैं, भाई साहब से बात करेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम। भाई साहब क्या लग रहा है, क्या आपका रुझान है अब की बार गांव का और क्या लग रहा है कहाँ जा रहे हैं? गांव का लगभग 70-75% कांग्रेस की वोट से। अच्छा और कांग्रेस बने भी कांग्रेस की। अच्छा अच्छा हाँ जी, रीजन बताओ के रीजन है, क्या लग रहा है आपको किस वजह से? भाई काम कर रखे हैं और काम करेगा, ये भी वो भाई का था वो, उसने दीपेंद्र ने भी काम ना करवाया, राज में अच्छे राज में था जब तक काम करवाया। अच्छा। बिना राज के करवा दे, मातने में 15 दिन मांगा था इन उड्डा का छोरा ने, गढ़ पाकड़ दिया न्यू मानसा बेचाड़ है, जब भी न्यू बोला भाई पुलिस ताई दूर हट जाओ, गढ़ के मतलब से जब पकड़िया से। अच्छा न्यू बोला हाँ, दीपेंद्र हुड्डा जी का
कॉलर पकड़ लिया था मातने में। अच्छा अच्छा, वो बोले हाँ भाई बोल। बोले बमूड़ियाड़ा रोड पर चल। वो बमूड़ियाड़ा रोड पर गया गाड़ी लेके। अच्छा, बोले देखिए ये क्यों कर गुजारा करेगा। बोले 15 दिन मंगा दे दे सारा। मतलब इससे आप ये कहना चाहते हो कि शरीफ बाड़ा गया, मतलब गल पकड़ लिया, जब भी उसने जनता से प्यार है कुछ नहीं। कोई भाई न्यू बोला भाई गल ठीक पकड़िया से मल 15 दिन मांगू छू 16 दिन पानी नहीं छोड़ गया। अच्छा, जंगल में। अच्छा, कती रहता है दिया खूट खूट भूया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया था जी। तो भाई साहब डॉक्टर अरविंद शर्मा से क्या गीले शिकवे हैं, किस वजह से रोष है वो? डॉक्टर अरविंद शर्मा वोट लेने आया था। अच्छा। और के ये फिर वोट लेने खातिर आया है। अच्छा। किसी का दुख में सुख में क्या है, मैं नहीं आ रहा। दुख सुख में साथ नहीं, सिर्फ वोट के टाइम पर। वोट का टाइम पर, वोट का मतलब जोर कुछ नहीं। और काम का के है बोले मोदी ने के गदोड़ा बांट रखे है। मोदी का के कर रखे है मोदी ने? किसान की ना, गरीब की ना, या पार्टी किससे की ना। अच्छा, मोदी ने काम के कर रखा फ्रंट पर तो कुछ भी कोई ना सूखा मोदी भाई। 15 लाख की कही थी किसा खाता में, आज ती 10 रुपया आया हूँ। और सारी झूठ, निराधार झूठ बोलना और कुछ नहीं। अच्छा, कोई मतलब उन्होंने जो वादे करे वो कोई पूरा नहीं हुआ कर रखा कोई भी। तो इस वजह से आप अब की बार दीपेंद्र सरकार हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। हमारे एक नौजवान साथी बैठे हैं भाई साहब, क्या लग रहा है अब की बार मोदी की गारंटी चलेगी कि दीपेंद्र का पंजा चलेगा? मोदी की गारंटी बता दो भैया पूरी होगी। अच्छा, एक बता दो रोजगार को लेके आप क्या चाह रहे हो? आप एक युवा साथी हो हमारे, तो रोजगार के मामले में पिछली सरकार जो हमारी रही, जो हमारी अभी सरकार है बीजेपी सरकार, उससे कितने आप संतुष्ट हो कि बीजेपी सरकार ने रोजगार में, एजुकेशन में काम किया है, या फिर आपके अंदर उसके लेकर रोष है? भाई रोजगार की बात सुन ले, स्कूल सारे प्राइवेट बढ़ावा दे रखा है। जो आदमी बिना 10,000 रुपये कमा वो प्राइवेट में भरा, सरकारी में भरा। अच्छा, दूसरी बात दीपेंद्र का इशारा भाई, जो भी माम दो बार मारा काम में पानी दे रखा है। एक बार लाइन फैल होगी थी, स्पेशल टंकी कॉन्टैक्ट करवा रखा है। अच्छा। पूरा काम तो साया मरता अरविंद शर्मा ने आया, पास एक काम बता दे वो कर दिया भाई। एक काम, कोई काम नहीं। हाँ, 5 साल में एक काम बता दे वो कर रहा है अरविंद शर्मा ने, वोट दे दूंगा। तो आपकी वोट जो है बिल्कुल दीपेंद्र को जा रही है 100%। बहुत बहुत धन्यवाद जी भाई साहब। राम राम जी भाई साहब, आपको क्या लग रहा है? भाई साहब दीपेंद्र गदी के लिए एक तरफा दीपेंद्र है। दीपेंद्र, अच्छा क्या रीजन है दीपेंद्र के साथ क्यों जाना चाह रहे हो? भाई साहब बंदा ही सा वो, हर किसी का काम करे वो। अच्छा। जिसे मतलब उसने पक्षपात है ही नहीं अपना। अभी कोई काम किया दीपेंद्र ने? भाई साहब सारे कर रखे हैं। अच्छा, सबसे मैंने काम तो हमारे बाबा पीर का मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर। अच्छा। उसका तालाब का पक्का का पैसा उसने दिया था। अच्छा जी। और उसका बेचारा कितना नाम नहीं है, सरकार नहीं अपना वोट टेक दिए। सबसे पहले पक्के का पैसा उसने दिया था। अच्छा। खाड़ा का नाम का पैसा वो दे गया, कौन सा काम नहीं करता वे? सारे काम करे, सारा काम करा भाई गति। एक तरफ आवा दीपेंद्र गति। और भाई ये नहीं होगा ना, मशीन में भी भाई का था, मशीन में गड़बड़ नहीं थी, फिर बेल्ट पेपर पर करवा दो भाई। इतना खर्चा मशीन में हो, इतना बेल्ट पेपर पर होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दीपेंद्र ने कोई राख दिखा दो भाई, अपनी मूछ कटवा लेगा। बहुत बहुत। तो बीजेपी सरकार से मतलब क्या लग रहा है आपको? डॉक्टर अरविंद शर्मा थे हमारे अभी फिलहाल जो सिटिंग एमपी हैं, तो उन्होंने कोई काम नहीं करवाया भाई? हमारी नजर में तो हमने न्यू ही नहीं बेरो अरविंद शर्मा से की सा, आज तक हमने की शक्ल नहीं देखी है। अच्छा, नाम सुन रहा क्या अरविंद शर्मा से? कोई हमने की शक्ल नहीं देखी है। काम की तरह बताऊँ जब उन्हें भाई कोई शक्ल देखी हो। हाँ जी भाई, वो दिशा काम करे भाई, घर का पेंट करवा दिया घर के भीतर, वो भीतर और लीप गए पाछे तो। अच्छा, अपनी मतलब और तक हम इसी कराया कि वो नाड़ा के ऊपर काल छोरा बच गया, इतनी है बच गया ना, नैक लड़ जाए। अच्छा अच्छा, हाँ नैक इतना झुंड खड़े है वो नाड़ा का मैं। चलो ठीक है भाई साहब, धन्यवाद बहुत बहुत। राम राम जी प्रधान साहब, कैसे हो? बस बढ़िया, ठीक सो। हाँ जी बढ़िया। तो प्रधान साहब आप बताओ, क्या अब की बार लग रहा है आपको कि गांव का क्या रुझान है, किस तरीके से देख रहे हो आप भाई बीजेपी की मौजूदा सरकार है, और अब की बार यहाँ से दीपेंद्र हुड्डा का भी काफी अच्छा एक वो फीडबैक लग रहा है, तो
कहां तक आपको लग रहा है कि अब की बार कौन बाजी मार जाएगा? दीपेंद्र हुड्डा मारेगा जी। दीपेंद्र हुड्डा हमारे गांव में मतलब 90% वोट है जी। अच्छा, 90% जो वोट है वो दीपेंद्र की तरफ जा रही है। क्या रीजन हो सकता है इसका? रीजन जी, हर हाईवे काम था हमारा, तो छोटा हाईवे ले दे के मड़ा कराया था इसने। दीपेंद्र ने बड़ी सिफारिश लगाई थी, अपने MLA साहब ने करवाया था। फिरनी है हमारी, उसका पैसा इन्हें अपना कोटा तक करके दिया 38 लाख रुपया। अच्छा, इन मालूम होगी वो रुपये वापस मंगा लिए हमारी फिरनी के। अच्छा, मतलब जो ग्रांट पास हुई थी 38 लाख रुपए की, वो सरकार ने वापस ले ली? वापस ले लिया। अच्छा जी, ऐसा भी हो जाता है? ऐसा हो जाता है, देख लो। अच्छा अच्छा, तो हम इन द वोट क्यों कर दे दिया? तो आपको लग रहा है कि दीपेंद्र अगर आता है यहाँ पे तो आपके जो काम रुके हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे? सारा काम होगा, हो जाएंगे, हो जाएंगे। अच्छा अच्छा, शिक्षा का क्या है? ये भी कह देना नौकरी दी हिन्न, नौकरी के नौकरी दी हिन्न है, सब ने बता दो। डी ग्रुप तैयारी कौन सी नौकरी दी है? जो बालक MA BEd जो कर रहे हैं, BEd कर रहे हैं, जो अपना ये इंजीनियरिंग का करांड है, वह डी ग्रुप में लाग रहे हैं सारा बालक। अच्छा बता भाई साहब, जैसे अब की बार तो ऐसा है कि भाई जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं बगैर ये लगा लो पैसे के लग रहे हैं, नहीं तो पहले तो बहुत पैसे देने पड़ते थे। पैसे नहीं देने पड़ते थे, पैसे तो पहले भी नहीं देने पड़ते थे इस सरकार में, हमने तो कोई दिया। हमारा गांव में कई बालक लग रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, बगैर पैसे दिए लग रहे हैं। ईब कौन सा नौकरी जो डी ग्रुप तैयारी कोई सी नौकरी दी हो तो बता दो। अभी डी ग्रुप तो या सी ग्रुप की दे रखी है? डी ग्रुप की दे रखी है सारी, इस तैयारी कौन सी दे रखी है बता दे। जो MA BEd करी हंड वह डी ग्रुप में लाग रहे हैं बेचारा। हाँ, तो रोजगार को लेके मतलब बहुत रोष है अंदर। अच्छा, यो मुद्दा एक डेट हारा क्या बोला, राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर का शुरुआत पहले कांग्रेस ने करी थी। अच्छा, ये किस्से से पूछ लो, कदे भी खबराम देख लो, उसमें कर लो भी। पहला केस इन कांग्रेस ने डाला था इसका, ये तो बहुत लंबे टाइम से चल रहा था। बहुत लंबे टाइम से चल रहा था, ये तो इविन का नाम हो गया ने कहने भला काम ने। राम मंदिर, राम तो पहले भी अड़े था, हरी भी अड़े है, कोई मंदिर बनाया है तो राम थोड़ी आया है। तो धारा 370 हटी है भाई साहब, उसके ऊपर भी कुछ बताओ। चलो वो भाई ठीक है, चलो वो आया है कुछ उसका तो भाई, अरे उसमें तो भाई देख रहे हैं। चलो, तो आगे तो कोई रहे, आपको लग रहा है कि आपके गांव से और अपने एरिया से दीपेंद्र को जा रही है मौत है? हमारे मतलब रोहतक लोकसभा क्षेत्र का ही है ना, इसने कोई काम करवाया है हमारा उसमें लोकसभा क्षेत्र में? कोई भी आदमी ऐसा आने के कह दो, पीछे वो रोहतक में था, वो ब्राह्मणा का अटका मामला अटका घेर दिया था इसने, वो जमीन का वो बनावा था परशुराम का, वो इससे की देन है, वह इसने करवा दिया था। वो आदमी आपस में खचातानी हुई उनकी। अच्छा अच्छा, हाँ चलो, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कुछ कह रहे थे, थोड़ा सा आप बताओ क्या कहना चाह रहे थे भाई साहब? धारा 370 को हो ना अभी। अच्छा, एक चीज बताओ, उन्हें धारा 370 का हटाया की है, पब्लिक ने बेरा नहीं ना धारा 370, मतलब एक बात कहें धारा 370 हट गई, धारा 370 उड़े मतलब उसने हटाई भाई, उड़ा जमीन लेस कहाँ, जब हम अपने काम में जमीन नहीं ले सकते, उड़ा जाकर जमीन को कर ले लेंगे। ये तो भाई जो बात सिर्फ जमीन की नहीं है ना भाई साहब, बात ये भी तो है ना कि भारत का कोई भी कानून लागू ही नहीं होता था, आज के दिन वो जो है भारत के अंदर है और भारत की सारी चीजें जो हम भारत के अंदर है। पहले तो ऐसा लगता था कि भारत अलग जगह है, देश है, और कश्मीर अलग देश है, लेकिन है, कश्मीर तो है ही हमारा हिस्सा है हमारा जगह। मतलब धारा 370 की बजाय जो उड़े तो 2 रुपए किलो चीनी है, हम 40 रुपए किलो चीनी खावा, फिर उसने उड़े 40 रुपए किलो क्यों ना देता? जब भारत में देश एक कानून एक है तो वहां का अलग क्यों कर दिया? उड़ चावल 5 रुपए किलो, अड़ 40 रुपए किलो, यो डिफरेंस तो यो लगा इसने हटा उन्हें धारा 370 अटे तो क्यों है? मेन डिफरेंस तो यो रहेगा ना, हम 48 रुपए किलो चीज ले वहा उड़ इतनी महंगी है, हमने फ्री का कुछ नहीं चाहिए, ना राशन फ्री चाहिए ना कुछ, हमने काम दो हमने सा सक्षम कर दो ना, जो हमने फ्री की जरूरत तक होनी भाई। आज राशन कार्ड फ्री में, राशन कार्ड में फ्री मिल रहा चीनी, फ्री मिल चावल, हमने कुछ फ्री मत दो। तो कांग्रेस के भी जो घोषणा पत्र आए हैं जिसमें जो कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उनसे भी आपको कोई लेना देना नहीं, पर अब की बार आप चाह रहे हो कि भाई दीपेंद्र आना चाहिए? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब।